आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो, पूरा भारत तुम्हारे साथ है, हम सब तुम्हारे साथ है, तुम लड़ोगी और जीतोगी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा दुखद घटना की दोस्तों, उन्नाव रेप केस, उन्नाव गैंग रेप केस जो हुआ था 4 जून 2017 में। अजीबोगरीब मोड़ आ रहे हैं दोस्तों उसमें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने मूवीज में अक्सर ऐसा देखा होगा कि एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, उसके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी जाती है, जंग छेड़ दी जाती है, उसके ऊपर केस होता है, लेकिन वो जो पावरफुल इंसान है वो एक एक करके गवाहों को मारता जाता है। एग्जैक्टली यही चीज हो रही है यहाँ पे। हालांकि ये तो जांच का विषय है, मारा कि नहीं मारा, लेकिन दोस्तों हर कोई समझदार है यहाँ पे, आपको पता ही है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल इंसान पे इल्जाम लगा है। हम बात कर रहे हैं इन महाशय की, कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि बीजेपी की तरफ से एमएलए हैं। हाल ही में बीजेपी ने, इनफैक्ट आज ही बीजेपी ने इनको सस्पेंड कर दिया, देर आए दुरुस्त आए। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इन्होंने, इनके ऊपर इल्जाम है कि इन्होंने रेप किया, इन्होंने गैंग रेप किया, और इन्होंने इनके परिवार वालों को एक एक करके खत्म कर दिया। ये इनके ऊपर इल्जाम है। क्या करेंगे अब जब रक्षक ही भक्षक बन जाए? जिन नेताओं को हम चुन के भेजते हैं कि ये हमारी रक्षा करेंगे, वो रक्षा तो नहीं करते, उल्टा कुछ और ही कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे? ये जो इंसिडेंट है, किस तरीके से सिस्टम जो है एक इंसान को तोड़ता है, प्रत्यक्ष प्रमाण है ये इंसिडेंट। तो आज हम एक एक चीज को देखेंगे, टाइमलाइन को देखेंगे, और अभी जो हादसा हुआ है, जो सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें पीड़िता हॉस्पिटल में है, उसके जो क्वेश्चंस है, जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है? तो इस पे आज हम नजर डालेंगे। सिड अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू का ऑफिशियल ऐप पॉकेट न्यूज लॉन्च हो गया है दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर पे है ये, आप जरूर इसको डाउनलोड करिए, चलते फिरते पढ़ते रहिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो नाउ रेप केस दोस्तों 4 जून 2017 को हुआ था। हम देखते हैं कि 4 जून 2017 को ये पूरा इंसिडेंट हुआ, बहुत ही दुखद घटना थी। वैसे तो दोस्तों आपको बता दूं कि हम दाद देंगे यहाँ पे पीड़िता की, बहुत हिम्मत दिखाई उसने, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिनको दबा दिया जाता है। भारत में हजारों हजारों लाख, अगर हम साल भर की बात करें तो लाखों लाखों रेप केस होते हैं, उन सबको दबा दिया जाता है, 90% केसेस तो सामने ही नहीं आते। लेकिन ये केस सामने आया क्योंकि पीड़िता ने हिम्मत दिखाई, और उस इंसान के खिलाफ हिम्मत दिखाई जिसका बहुत ज्यादा रसूख है। आप खुद सोच लीजिए कि वो जो कुलदीप सेंगर जो हैं, उनसे पुलिस तक थरथर कांपती है, ऐसा बोला जाता है उनके सामने, उनके बारे में बहुत बड़े बाहुबली नेता हैं, उनका कोई नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बीजेपी तक ने उनको सस्पेंड नहीं किया, उनके खिलाफ यहां पे सीधा मोर्चा खोल दिया, बहुत कुछ झेला पीड़िता ने। तो 4 जून को यह पूरा इंसिडेंट जो है वो शुरू हुआ था, और उसके बाद फिर जिनके ऊपर आरोप लगा उनके ऊपर चार्जशीट फाइल हुई, और अभी तक केस चल रहा है। लेकिन 4 जून 2017 से लेकर अभी तक बहुत कुछ हो गया है दोस्तों, एक के बाद एक यहां पे गवाहों को खत्म किया जा रहा है। अब यहां पे दो सवाल उठते हैं, या तो मेरी वैसे गला बैठा है तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तबीयत थोड़ी सही नहीं है, या तो ये एक कोइंसिडेंट है, एक इत्तेफाक है, जो जिसकी पॉसिबिलिटी लगभग लगभग नामुमकिन है, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जिस तरीके से ये इवेंट हुए हैं 2 साल में, या फिर ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है जिसकी जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों हम क्विकली देख लेते हैं कि क्या क्या इंसिडेंट हुए, हम शुरू से लेकर अभी तक जो जो हुआ है फटाक से जान लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन और हाल ही में जो हादसा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है दोस्तों 4 जून 2017। देखिए, पीड़िता 17 साल की थी, अब यहां पे उसको नौकरी की जरूरत थी, पड़ोस में उसके एक महिला रहती थी, उसके पास वो गई कुलदीप सिंह सेंगर के पास, जो कि बीजेपी के एमएलए थे और काफी नाम था उनका, तो उनके पास वो नौकरी मांगने गई, नौकरी तो नहीं दी, लेकिन एक ऐसा हादसा हो गया जो आप देख ही रहे हैं। तो 4 जून 2017 को गैंग रेप हुआ यहां पे पीड़िता के साथ, 17-year-old गर्ल इज रेप्ड बाई बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर एट हिज हाउस, उनके घर पे ही हुआ गैंग रेप था दोस्तों ये। उसके बाद यहां पे डराया धमकाया गया पीड़िता को कि अगर तुमने अपनी जबान खोली तो तुमको साफ कर देंगे, बचोगी नहीं, तुम मार डालेंगे जान से, ठीक है?
एक हफ्ते तक उसका कोई अता पता नहीं दोस्तों, और इसी दौरान उसके साथ रेप होता रहा, मल्टीपल रेप्स, ठीक है ना, और बहुत लोगों ने उसके साथ रेप किया। एक हफ्ते तक उसका कुछ भी पता नहीं चला, 11 जून 2017। उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि यहां पे परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई कि हमारी बेटी का पता नहीं चल रहा है, कहां गई है वो, पुलिस तो मदद करेंगे नहीं, आप समझ ही सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली 20 जून 2017 को यहां पे हम देखते हैं कि गर्ल को औरैया जिले से, औरैया जो एक गांव है उत्तर प्रदेश में, वहां से लड़की को, पीड़िता को ढूंढ के निकाला गया और वापस उन्नाव लाया गया। फिर आता है दोस्तों 22 जून 2017। यहां पे पीड़िता ने सीधा ये बोला कि देखो पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रही है, और पुलिस ने सबसे बड़ी बात यह बोल दी है क्योंकि सब इसके बाद एफआईआर होनी थी, ठीक है। पीड़िता तो बिल्कुल, उसने बोला कि मैं तो बिल्कुल हार नहीं मानूंगी और मैं सबके खिलाफ लड़ूंगी, लेकिन पुलिस ये बोल रही थी कि तुम सबका नाम ले लो, बस बीजेपी के एमएलए जो कि कुलदीप सिंह सेंगर हैं उनका नाम मत लेना, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। तो ये पीड़िता ने स्टेटमेंट दिया 22 जून को। 3 जुलाई डर के मारे पीड़िता चली गई दिल्ली। दिल्ली में इनके चाचा जी रहते हैं, वहां पे ये इनके साथ रहने लगी। उनको उनकी अपनी आप बीती सुनाई कि मेरे साथ ये हुआ है। उनके चाचा ने बोला बिल्कुल परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, और आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, वो जेल में है इस समय, उन्हीं से तो मिलने जा रही थी जब एक्सीडेंट हुआ, उसकी भी अभी हम बात करेंगे, अभी उस पे आते हैं। तो 3 जुलाई 2017 को जो पीड़िता है वो दिल्ली चली गई, और ये इल्जाम लगाया कि जो पुलिस है वो बहुत ज्यादा उसको हरास कर रही है और मेरे बस की नहीं है। इसी दौरान दोस्तों पीड़िता ने योगी आदित्यनाथ जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश है, उनको चिट्ठी लिखी कि आप कुछ करिए, कुलदीप सिंह सेंगर और उनके जो भाई हैं अतुल सिंह उन पे कुछ तो कार्रवाई करिए, कुछ भी नहीं हो रहा है। एफआईआर तो लॉज हो गई है, लेकिन एफआईआर में कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाइयों का नाम है ही नहीं, जिन्होंने ये काम किया उनका नाम क्यों नहीं है। लगातार ये मांग उठती रही और फाइनली 24 फरवरी 2018 में सर्वाइवर पीड़िता की माता जी ने ये बोला कि उनका नाम, कोर्ट में ये बोला उनका नाम इसमें शामिल होना चाहिए। अब उसके बाद आ गया अप्रैल 2018, पिछले साल की बात। ये अप्रैल एक ऐसा महीना था जो कि बहुत मनहूस था पीड़िता के लिए, पूरी जिंदगी यहां पे बदल गई। कैसे बदल गई? 3 अप्रैल 2018, क्योंकि यहां पे पीड़िता की मां ने बोला कि एफआईआर लॉन्च हो गई है, केस चल रहा है, लेकिन जिन्होंने ये काम किया है उनका नाम क्यों नहीं है, उनके ऊपर तो कोई इल्जाम है नहीं, वो तो फ्री घूम रहे हैं, हमको डेली धमकियां दे रहे हैं कि केस वापस लो वरना खत्म कर देंगे, तो ये क्या हो रहा है। इसी दौरान दोस्तों 3 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता को बहुत मारा, एमएलए के जो भाई हैं कुलदीप सिंह सेंगर के जो भाई हैं अतुल सिंह सेंगर, उन्होंने बहुत ज्यादा मारा, और आपको बता दूं पुलिस मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में ये सब हुआ, बहुत बुरी तरह हमारा वीडियो भी वायरल कर दिया था, न्यूज में काफी ये चला था, जिसकी वजह से सरकार प्रेशर में आई। और 8 अप्रैल आया 2018, यहां पे इतना ज्यादा बेबस हो गई थी पीड़िता, विश्वास करेंगे कि यहां पे पीड़िता ने अपने आप को जलाने की कोशिश की, आत्मदाह करने की कोशिश की, योगी आदित्यनाथ के घर पे गई और उनके घर के सामने अपने आप को जिंदा जलाने की कोशिश की, इतनी बेबस हो गई थी। 9 अप्रैल दुखों का पहाड़ अब टूट पड़ा है दोस्तों, 9 अप्रैल 2018 पिताजी का हो गया देहांत, ऑफिशियल कस्टडी में हुआ, पुलिस ने बहुत मारा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 14 जगह निशान मिले थे दोस्तों, तो ये बिल्कुल साफ है कि पुलिस ने भयंकर तरीके से टॉर्चर किया। हालांकि पुलिस ने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, और फाइनली 10 अप्रैल 2018 को यहां पे एमएलए के ब्रदर अतुल सिंह सेंगर को अरेस्ट किया गया, साथ में 4 और लोगों को भी अरेस्ट किया गया उत्तर प्रदेश की क्राइम ब्रांच ने, ठीक है, सेक्शन 304 और सेक्शन 323 इन पे लगाया गया, और 504 भी सेक्शन लगाया गया। उसके बाद 11 अप्रैल आता है 2018, ठीक अगले दिन 10 अप्रैल के बाद ठीक अगले दिन 11 अप्रैल को यहां पे पीड़िता ने अपील की राजीव कृष्णन से, जो कि एडिशनल डीजीपी हैं लखनऊ के, कि आप कुछ करें। और फाइनली ये केस जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, बहुत ही ढिलाई हो रही थी पुलिस, आप देख ही रहे हैं उनका क्या काम, क्या कैसा रहा है। यहां पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने सीधा बोला कि अब सीबीआई इसकी जांच करेगी, तो ये पूरा केस सीबीआई को सौंप दिया गया।
और भैया सीबीआई तो हमारे देश के सुपर हीरो है, लेकिन फिर भी आजाद नहीं है। तो यहां पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनको जांच के आदेश दिए गए और 7 जुलाई 2018 को सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट जो है वो दाखिल की। यहां पे 5 लोगों के नाम थे इसमें, जिसमें सेंगर के भाई भी थे, ठीक है। और उसमें इल्जाम ये थे कि यहां पे जो पिताजी हैं, जो पीड़िता के पिताजी की हत्या इन्होंने की है। तो ये पहली चार्जशीट जो सीबीआई ने फाइल की उसमें ये सारी चीजें थी। फिर 11 जुलाई को दोस्तों यहां पे एक और चार्जशीट फाइल हुई। यहां पे हम देखते हैं कि और 5 लोगों को यहां पे गुनहगार बनाया गया और उनको अक्यूज किया गया, और इसमें एमएलए का एक और भाई जयदीप सिंह भी शामिल था। इसमें मेन दोस्तों यही है कि जो पिताजी की हत्या हुई थी ना, मेन जो आरोप है वो यही लगे, इसी को ही बेस बना के इन सब पे आरोप लगाए गए। फिर 13 जुलाई 2018 को तीसरी चार्जशीट फाइल की गई। यहां इसमें 3 पुलिस वालों का भी नाम था, ठीक है, जो चार्जशीट थी ना। और फाइनली यहां पे कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ भी उनका भी नाम आया। तो ये चीज है जो पूरी कॉन्स्पिरेसी की जो पूरा प्लॉट था, ये सब कुछ किसका था? कुलदीप सिंह सेंगर। और ये यहां पे हम देखते हैं कि सीबीआई ने ये पूरी तरीके से बोल दिया। उसके बाद फिर केस चलने लगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इस दौरान दोस्तों 13 जुलाई 2018 से लेकर अभी तक लगातार डेथ थ्रेट्स मिलते रहे। यहां पे लगातार पीड़िता को धमकाया जा रहा था। इनके अंकल जो इनकी मदद कर रहे थे दोस्तों, उनका क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। नवंबर 2018 को उनको अरेस्ट कर लिया गया। क्यों अरेस्ट कर लिया गया जानना जरूरी है। देखिए, इनके अंकल सीधा ये बोल रहे थे कि हम छोड़ेंगे नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर को छोड़ेंगे नहीं। और उधर कुलदीप सिंह सेंगर जेल में बंद है। कुलदीप सिंह सेंगर को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था, सीतापुर जेल में बंद है वो। और यही बोला जा रहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर सीतापुर जेल में क्यों है, उनको हटा के एमपी या राजस्थान भेजो। सीतापुर कितना दूर है? 120 किलोमीटर है उन्नाव से। पूरा कनेक्शन है, पुलिस उसके अंडर है, वो जो चाहे करवा सकता है, तो उसको बिल्कुल अलग भेजो। तो यहां पे हम देखते हैं कि नवंबर 2018 में इनके अंकल जो कि एक बिजनेसमैन है, सीधे साधे इंसान, दिल्ली में काम करते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 18 साल पहले का एक केस जिसमें इल्जाम यह है इनके अंकल पे कि इन्होंने हवाई फायरिंग की, उसके बिना पे इनको जेल में डाल दिया जाता है रायबरेली के। आप देख सकते हैं ना कितना खतरनाक होता है यहां पे किसी भी पावरफुल इंसान से, ताकतवर इंसान से उलझना, सिस्टम जिसके पास हो। अब ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, क्या भारत में वाकई रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है कि नहीं, जैसे हम अमेरिका में देखते हैं, क्या वो यहां पे भी लागू होता है? अब ये तो देखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी यहां पे पीड़िता को इंसाफ मिलता है और कितनी निष्पक्ष जांच होती है, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों यहां पे चार्जशीट फाइल हुई 2018 में और बहुत सारे इंसिडेंट हुए, बहुत डेथ थ्रेट्स मिली यहां पे पीड़िता को। और अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि 4 जुलाई 2019 को इनके अंकल को 10 साल की सजा मिल गई, 10 साल की सजा मिल गई। और 28 जुलाई 2019 को अभी नर्सों 2 दिन पहले यहां पे एक्सीडेंट हो गया पूरी तरीके से। और उसी के बाद ये आप देख ही रहे हैं न्यूज में कितना चल रहा है, न्यूज़पेपर में पूरा केस वापस जाग गया है। हुआ क्या दोस्तों, 28 जुलाई 2019 की बात है ये, अभी 2 दिन पहले की। तो हम ये देखते हैं कि जो रेप विक्टिम, जो पीड़िता है, उनके लॉयर और उनके परिवार वाले वो मिलने जा रहे थे अपने अंकल से, अपने चाचा जी से वो मिलने जा रहे थे जो रायबरेली की जेल में बंद है। कार जो थी वो उन्नाव से रायबरेली जा रही थी। सामने से एक ट्रक आया, ठीक है, सामने से एक ट्रक आया पर खच्चे उड़ा दिए कार के। और यहां पे हम देखते हैं पीड़िता की हालत बहुत गंभीर है, लखनऊ के केजीएमसी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। यही बोला जा रहा है कि अब उसको एम्स में तुरंत ही शिफ्ट करें। उनकी मौसी जी की मौत हो गई, उनकी चाची जी की मौत हो गई, लॉयर जो है, जो वकील है, उनकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। और यहां पे पीड़िता की हालत तो बहुत गंभीर है, मल्टीपल फ्रैक्चर है दोस्तों, लंग्स में काफी दिक्कतें हैं। तो ये चीज हुई है 2 दिन पहले। अब यहां पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। 29 जुलाई को एक दोबारा एफआईआर, फ्रेश एफआईआर लॉन्च की गई यहां पे बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर और साथ ही साथ 29 और लोगों के खिलाफ ये एफआईआर लॉन्च की गई। तो टोटल 30 लोगों के खिलाफ 29 जुलाई मतलब परसों एफआईआर लॉन्च की गई है। अब ये हम कार एक्सीडेंट पे जरा नजर डालते हैं, क्या क्या सवाल उठ रहे हैं। और ये तो अब सियासी मुद्दा हो गया है,
अखिलेश यादव हो गए, प्रियंका गांधी, बहुत सारे लोग जो है वो पीड़िता से मिलने जा रहे हैं। और अब यहां पे पूरी तरीके से बीजेपी पे प्रेशर आ गया और बीजेपी ने सस्पेंड भी कर दिया है। लेकिन यहां पे सवाल क्या क्या उठ रहे हैं। पहली बात तो अगर आप रायबरेली, मतलब रायबरेली से फतेहपुर या जो ये रूट लेंगे तो रोड बहुत बहुत ही पतली है, ठीक है, एक कार आ सकती है और एक जा सकती है, ठीक है, बहुत ही पतली है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा बोला जा रहा है कि ट्रक जो है वो रायबरेली से फतेहपुर जा रही थी, रॉन्ग साइड में गई और हेड ऑन कोलिजन था, ठीक है, जो एडीजी का जो उन्होंने बताया ये हेड ऑन कोलिजन था, सामने से टकराई है कार से और कार के पर खच्चे उड़ गए हैं। अब यहां पे सवाल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो विक्टिम्स की फैमिली ने क्या कहा है और क्या क्या चीजें हुई है। देखिए सबसे बड़ी बात, अब ये तो या तो इत्तेफाक हो सकता है या फिर ये प्रीमेडिटेटेड पूरा है। सबसे पहली बात, जो ट्रक की नंबर प्लेट थी ना उस पे ग्रीस लगा हुआ था, ग्रीस पूरा उस नंबर प्लेट को कलर किया गया था। ग्रीस को आसानी से साफ किया जा सकता है, ठीक है, ये वो परमानेंट कलर नहीं है, जो लगा है तो लगा ही रहेगा, उसको आसानी से साफ किया जा सकता है, पता भी नहीं चलेगा कभी इसमें ग्रीस था। अब ये कोई कब करता है आपको अच्छी तरीके से पता है। हालांकि इसके डिफेंस में ये बोला गया है कि ये बहुत ही आम बात है। क्या आपने कभी देखा है किसी नंबर प्लेट पे किसी ट्रक पे ग्रीस लगे होते हुए? मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा। तो यहां पे पुलिस की तरफ से ये बयान आया है और जो ओनर और ड्राइवर है उनकी तरफ से ये बयान आया कि ये बहुत ही आम बात है, एक्चुअली ट्रक फाइनेंस करवाई गई थी, लोन हम नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से हमने ग्रीस लगाई थी ताकि हमको कोई पकड़ ना ले और जहां से लोन फाइनेंस करवाया है वो हमको ना परेशान करे। ये कुछ बयान समझ में नहीं आया, लेकिन खैर अब तो इसकी जांच होगी, वो तो देखना पड़ेगा। तो ये पूरी ग्रीस लगाई गई थी। दूसरी बात, ये हेड ऑन कोलिजन है तो एक बात बताइए, ट्रक के सामने वाले हिस्से को कुछ क्यों नहीं हुआ, साइड वाले हिस्से को क्यों हुआ है? इसका मतलब साइड से भयंकर तरीके से टक्कर मारी गई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। मैं डिफेंस वर्जन भी आपको बताता चलूंगा, ठीक है ना। तो एक तो नंबर प्लेट पूरी तरीके से ब्लैक थी और यहां पे विक्टिम की फैमिली बोल रही है कि हम सबको मारने की साजिश हो रही है। ठीक दो हफ्ते पहले यहां पे पीड़िता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को चिट्ठी लिखी थी कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, हमको इंसाफ चाहिए, लेकिन तब सुनवाई नहीं हुई। और यहां पे विक्टिम की फैमिली यही बोल रही है कि हमको लगातार डेथ थ्रेट्स आ रही हैं, केस वापस लो वरना मार देंगे। पुलिस भी यही कह रही है, पुलिस भी हमारी बहुत अच्छे से मदद नहीं कर रही है। पुलिस का क्या कहना है? सरप्राइजिंगली दोस्तों, पुलिस ये बोल रही है कि ये पहले नजर में एक्सीडेंट लगता है, ये पहले नजर में एक्सीडेंट एक्चुअली किसी को नहीं लगता है। आप देख ही रहे होंगे, पूरा एनालिसिस कर ही रहे होंगे, सबका कॉमन सेंस होता है, ठीक है। तो यहां पे किसी को भी पहली नजर में एक्सीडेंट नहीं लगा, लेकिन पुलिस ये कह रही है ये पहली नजर में एक्सीडेंट लगता है। तो दाल में भैया बहुत कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है, ठीक है ना। तो ये चीज है। उसके बाद क्या विक्टिम की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई? देखिए विक्टिम को एक कांस्टेबल और दो गनर, हमेशा ये कोर्ट ने बोला था इनके साथ रहेंगे, लेकिन यहां पे जब ये लोग बरेली जा रहे थे तब ये पुलिस का कहना है कि विक्टिम ने सिक्योरिटी लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि कार में जगह नहीं थी, ठीक है। और अपने अंकल से, अभी मैंने बताया ना, वही वाले अंकल है जिनको झूठ, मतलब जिनको केस में फंसा के जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, मैंने झूठा बोल दिया क्योंकि वो एक्चुअली केस जो है वो प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो 10 साल की उनको सजा मिली है और वो उनसे ही मिलने जा रहे थे। तो यहां पे हम देखते हैं कि विक्टिम की जो सिक्योरिटी थी क्या उसे कॉम्प्रोमाइज हुआ। तो यहां पे विक्टिम्स ने सीधा बोल दिया था कि हमारी कार में अभी जगह नहीं है, ऐसा पुलिस का कहना। अभी वो जांच होगी, वो सब पता चलेगा कि हमारे कार में जगह नहीं है और ऑलरेडी फुल है, तो हमको सिक्योरिटी फिलहाल नहीं चाहिए। और शायद ये बहुत बड़ा चीज था। एक और चीज यहां पर देखी जा रही है कि जब ये पूरा एक्सीडेंट हो रहा था, ठीक है, तो एक रेनकोट पहने का आदमी खड़ा हुआ था, वो लगातार फोन पे बात कर रहा है और पल पल की जानकारी दे रहा है। और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ वो हो गया रफू चक्कर, तो उस पे भी मिस्ट्री बनी हुई है, ये क्या हो रहा है। सीबीआई प्रोब होगी क्या, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस हादसे की जांच करेगी? करेगी बिल्कुल, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने इसको पूरा एक मतलब हरी झंडी दे दी है और एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो सीबीआई की जांच होगी। मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बना दूं कि सीबीआई जांच कैसे करती है, ठीक है। पॉलिटिशियंस का क्या कहना है? अब देखिए ये तो पूरी सियासी मुद्दा है, पॉलिटिशियंस क्या कह रहे हैं आपको पता ही, आपने देखा ही है कि ये बीजेपी ने करवाया है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने कहां से करवाया, हमने यहां पे पुलिस की जांच बैठाई, हमने यहां पे सीबीआई की जांच बैठाई, हम जो हमने विक्टिम फैमिली की मदद की,
जो चीज हमसे हो रही है वो हम कर रहे हैं। हमने कहां से किया, इधर बीजेपी वाले बोल रहे हैं ये दूसरी पार्टी ने किया, जो ड्राइवर है वो सपा का है, बसपा का, फलाना ढमाका, ये सब दोस्तों आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। तो यहां पे अब सियासी खेल भी हो रहा है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अब इसमें एक तरीके से कूद गई हैं, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और इन सब चीजों के बीच में कौन फंसा है, पीड़िता, जो कि अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। हम यही प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द ही सही हो जाए। और दोस्तों देखिए, ये सब बोला जा रहा है, देखिए जो भी चीज बोली जा रही है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और यहां पे अभी तक जांच नहीं हुई है। जांच के बाद सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि कौन गुनहगार है और कौन नहीं है। फिलहाल तो हम यही चाहेंगे कि भैया पीड़िता को बिल्कुल इंसाफ मिले और जो चीज सही है वो सामने आए। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर था। आई होप आपको एक बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।